पाँच मिनट ऐसे ढक देना है, लेकिन आप इतने देर हो गई नाश्ते में। यहाँ पर बनाओ कि बाहर बनाओ? जी आटा एकदम चिकना हो जाए तो समझो कि हो गया है रोटी। आटा सान के थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए, तब फूलता है। गेहूं में भी तेल रहता है पता है, करोगे ना थोड़ा सा उसका चिकना चिकना तेल की तरह निकलता है, तब समझोगे। हाँ निकाल लिया है। अंडा निकाल दिया है वो लीजिए। इसका आटा थोड़ा सा नरम सानोगे तब इसकी रोटी जो है तो फटेगी नहीं, है तो फट जाता है डाले। थोड़ा सा गीला आटा देखो है नरम आटा, बस हो गया। चटनी में रखो इसको, हाथ में थोड़ा सा आटा लगा के ये किया तो ये अंडे के लिए आई है। देखो तुमको भी तो एक ठो ले जाके ऐसा दिया था, उसके बाद इसको ऐसे गोल बना लिया था। हो गया कटोरी, उसके बाद इसमें आलू ऐसे भर दो। कितना भरें आलू? अंदाज से भरो। कितना आटा है उतना ही आलू? नहीं हो गया ना, उसके बाद इसका मुंह बंद करते हैं। देखो इसको ऐसे ऐसे करके वो बंद हो गया, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, गोल हो गया। इसका मुंह कहाँ गया?
अंदर चला गया। तो अंडे में भी घी डालती हैं आप? हाँ। घी में बनाती हैं? हाँ। घी नुकसान की चीज़ नहीं है, क्योंकि उसको जला दिया, तवा जल गया, अभी ज़्यादा गर्म हो जाएगा तवा, तब उसमें डालना होगा रोटी। तो बोलते हैं पेड़ा, हम लोग बोलते हैं लोइया। आलू का पराठा है ना? हाँ। आग इतनी होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा तेज ना कम, मीडियम। इसको हटाइएगा तो जलाओ। गैस वाला चूल्हा बेटर है आपका पहले से? यही जो है ना, बहुत से लोग को बनाना नहीं आता है, कैसे भरें। तो बहुत से लोग क्या करता है कि दो रोटी पतली पतली बना के उसमें डाल देता है आलू, लेकिन ऐसा अच्छा नहीं लगता है।